पर भी आप मनपसंद जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन फिर उन नजर आने से ज्यादा यीशु मसीह के पास आने के बाद ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहले नंबर बनाया था, हम क्या चीज है। उन्होंने बोला कि अपने आप को तुम पहले छोटा बनाओगे तब मैं तुम्हें बड़ा करूंगा। यहाँ पर खड़ा होना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ये खुदावन की योजना है और खुदा ने सीधा प्रभु को सेवक से बात किया है। मैं ये पासवानों से बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। कितने इन्होंने तकलीफ झेले ये मैंने अपनी आंखों से देखा। आप सब यहाँ पर अच्छे से बैठे हुए, यहाँ पर मैं इनके साथ रहकर देखा हूँ इन्होंने कितने परेशानी झेले थे। मैं सोचा नहीं कि ये लोग खड़े रहेंगे, लेकिन प्रभु की योजना थी वो खड़ा थे। हर एक तीर से परमेश्वर ने ये लोगों को बचाया है। प्रभु ने ऐसा जो इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत बताने के लिए बहुत समय भी हो जाएगा। मैं कितना भी बोलूं काफी नहीं रहेगा। यहाँ से मैं अभी गांव में चला गया हूँ, वहाँ पर सेवकाई करने के लिए। प्रभु ने एक बात पहले ही बताया था, सब छोड़कर चला जाए यहाँ से। बहुत लोग जानते हैं, जो मुझे जानते हैं वो मेरे बारे में समझते हैं। पुलिस लोग पुलिस लोग भी मुझे बिना पूछे बैठते नहीं थे। प्रभु ने उतना सामर्थ दिया था। अरे बंडर कंपाउंड में पश्चिम बाग को अध्यक्ष पश्चिम बाग के अध्यक्ष भी थे। अंत पावर वाला व्यक्ति प्रभु ने उसे ऐसा पद भी दिया था। और ब्यूरो इन पिक्चर वाले एजेंट ने और जो बीम बढ़ते हैं उसमें बनाने का एजेंट भी था। एजेंट भी था। 70 लोगों का सेक्रेटरी था मैं। मैं जो बोलता ना वो करते थे। अगर आज सब बंद कर देना है तो बंद कर देंगे। अगर बंद कर देंगे कम से कम 5,000 या 6,000 से शुरू हो जाएगा। प्रभु ने क्या कहा, अन्य ये सब छोड़ दिया, छोड़ कर सेवकाई करना। प्रभु से कहा मैंने तो कुछ लोगों को देखा है, ये सेवक को देखा है मैंने। मैं नहीं कर सकता हूँ, उनके हैसियत को मैंने देखा था उस समय। ये सब चीजें जो ऐश और आराम करने वाला व्यक्ति कैसा रहेगा, परम नंगा, बहुत हरामी। वो आरामी कुछ भी करता है। प्रभु ने बोला ये हरामी बना सब छोड़ दे। महीने में 50,000 कमाता था। अच्छा सेठ था, कई लोग जानते हैं वो समझते हैं। अगर भंडारे कंपोल में कहीं पर भी झगड़ा होता था फर्स्ट नागर जाता, कुछ लोग पहले मेरे पास आते हैं। पुलिस स्टेशन तक उन्हें फोन करते नहीं मिलता। पुलिस स्टेशन में मैं फोन करते समय तो उतना सामर्थ था। देवल मार्ग में प्रभु के बात को सुना और मैं सब छोड़ छाड़ कर चले गया। जाने के बाद देवड़ చెప్పినట్టు చేశాను, प्रभु ने जो बोला वो करता रहा। देवड़ చెప్పిన మాట చేసిన తెల్లారే, और प्रभु ने जो बोला उसके करने के सुबह ही ना बाहर अंडरबड़ पे, और मेरी पत्नी बेहोश हो गई। ना बाहर अंडरबड़ मेरी पत्नी एकदम बेहोश हो गई सुबह ही। प्रत्येक शक्ति लेदु, लोगों ने बोला जी नहीं सकती है, ये रोगम लेदु, कोई बीमारी तो है नहीं। मार्टार कुंटा ने वो बस बातचीत करते सुनता था। इंटले उन्नारु हमारे सब रिश्तेदार घर पे थे। दुकान ओपन जैसा हमारा दुकान भी था, खुला था तेल्लारे सुबह ही। पा
అన్ని అంటలు మళ్ళీ చేస్తున్నారు, మంటలు చేస్తున్నారు, ఖానా బనా రే, ఇమే మడిపోయి ఔర్ యే బేహోష్ హోకే నీచే గిర్ గయి. 20-30 సెకండ్ లోపట, 20-30 సెకండ్ మే ఆమె సల్లడ సెంటర్ పెట్టిన పూరా శరీర పూరా ఠండా పసీనా సే భర్ గయా. హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళా, హాస్పిటల్ లేకర్ గయే, భర్త చేశా, అడ్మిట్ కర్ దియే. हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे, हॉस्पिटल के लोगों ने बोला इन्हें बंद कर, ये नहीं जिएंगे, अभी सच को ये मर जाएंगे. नहीं ये क्यों ना व्यक्ति ने ये मैं बोया, मैं कहाँ कैसा था और मैं अब कहाँ आकर कैसा हो गया हूँ. टेम्पल टेम्पल की जगह लगे उन्ना ने, अभी मैं वो जगह पर हूँ जहाँ पर मुझे कोई जानता ही नहीं. इकड़ अंदर वस्तार, यहाँ पर सब जानते, सब आ जाते हैं, सब मेरा है करके आते हैं, अधिकार दिलदार, सब अधिकार भी आते हैं लोग, हॉस्पिटल में भी देखने आएंगे. कोई भी एक भी व्यक्ति आने वाला नहीं था, अनाथ जैसे प्रभु ने अनाथ जैसा माहौल रखा था. हृदय व्यक्तियों को सुशा प्रभु ने जांच किया कि अभी क्या इसका हृदय कैसा रहेगा. एडमिट होने के 2 दिन बाद डॉक्टर ने ये पढ़े थे, डॉक्टर ने बोला सच में, डॉक्टर ने बोला कि वो मर गए. मैं जब तुम्हें अंदर अनुभव इस तरह बोलता मैसेज अंदर का दुख कम आवाज रखते बोल रहा हूँ, लेकिन जो महसूस मैं उस समय पे किया था दुख रुक नहीं रहा उस वजह से. बिना तो सुन लो, मैं सुनना एकदम आसान है, उस परिस्थिति से जो व्यक्ति गुजरता है उस दर्द को वो समझ सकता है. सच बोलना चाहता, डॉक्टर ने बोल दिया कि वो मर गई. माँ मर गई, हमारी जो पत्नी की बहन थी उन्होंने बोला, वो रोना शुरू कर दिया. मेरी बहन वो भी रो रही है. गेट बैठ कर सुना, मैं गेट के बाहर जाकर खड़ा हुआ. अब तब डैडी को उन्होंने फोन किया, अय्या सेवक जी हमारी पत्नी खत्म हो गई, लास्ट आप बस आखिरी बार आप प्रार्थना कर दो. इनका वर्ड बोले मैं अब हार नहीं मान रहा हूँ. देव ने सेवक पंप पड़ेगा, प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए भेजा है. देव ने सेवक पंप पड़ेगा, प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए भेजा है. बारे सच बोलते हैं, वो मेरी पत्नी मर गई. हाँ बारे सच बोलते हैं, मेरी पत्नी मर जाएंगे. नहीं मेरा सेवा जस्ता हूँ, मैं कैसे सेवा करूँगा. देव संपत्ति पर ना रही थी, प्रभु ये नहीं चाहता क्या. आने सच बोलते सेवा जस्ता रहे हूँ, वो मर जाएंगे तो मैं सेवा ही कर पाऊँगा क्या. मैं मंदिर में जब था, मैं पहले ही बताया उनको ये अजगर रहते पद वाटर हूँ. ये सेवक ने कैसा तकलीफ महसूस किया, मैं तट को ले लूँ, मैं कभी कम नहीं हो सकता, नहीं दर्द भरन से ले लूँ, मैं कभी इसे सहन नहीं कर सकता. अंधकार चुवर के फोन जैसा, मैंने आखिर में इनको फोन किया, अगर प्रार्थना जैसा उन्होंने प्रार्थना किया, वो बाल पड़ा को आप डरो मत, देवड़ना प्रभु साथ है, देवड़ना प्रभु साथ है, कुछ नहीं होगा उनको. हमसे ज्यादा वो प्यार करते हैं, हमसे ज्यादा प्यार करते हैं. मैं जितना भी हूँ दादा ने, मैं एक दादा हूँ, मैं अंटे मुझसे एवल मुंदु को रान कोई भी व्यक्ति मतलब ऐसे ही पंगा नहीं लेते. देव लेना जगह लो इसके लिए, लेकिन प्रभु कैसे जगह पर लेकर गया, अगर दादागिरी नहीं होती, जहाँ पर दादागिरी भी नहीं चलेगा, मेरा घमंड नहीं चलेगा, डब्बू से पंजे पैसा भी काम नहीं करेगा. हालेलुया. अपुरु वैसे समय पर लेवल बिल्डर में आश्रित सेवक के पास, प्रभु के लोगों के पास मैंने आया. किसी के पास पैसों के लिए नहीं गया मैं, तब पिक्चर देव प्रभु बहुत पैसे दिए. अब अपना प्रार्थना जैसा फिर भाई ने प्रार्थना की, प्रार्थना जैसा प्रार्थना कर रहा था. अब जाओ बस, अब जाओ. प्रार्थना किया उन्होंने, किसको प्रार्थना किया, मेरे कानों में उन्होंने बस प्रार्थना किया. बस मैंने उनको बस पकड़ा. अंत मुंदु उससे पहले डॉक्टर लोगों ने सब पट्टी वट्टी जो भी था सब निकाल दिए. सच पिता ये मर गई बोल के, तब मैं गया, हमने मुट्टुकुना उनको बस हाथ रखा, कालो चेतुल आडिचु मोल वेटे हाथ पांव सब हिलने दूंगे. हालेलुया 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 हालेलुया. आमेन. ब्रतक चाहते प्रभु ने उन्हें जिंदा करा. हालेलुया हालेलुया. आ रोज से रोज वरकु उस दिन से और आज तक
कोई भी तरीके का आमे को कोई भी तरीके का बाधित नहीं, कुछ भी आने नहीं। मन विश्वास होना होना और हमारा विश्वास भी ऐसे ही परिस्थिति में ऐसा होना चाहिए। पड़े और पिताजी ने कितना तकलीफें झेल कर उपवास कितने रात उपवास रखकर मन गुरी पश्चाताप पड़े वो हमारे लिए दुआई करकर आज यहाँ पर आप सबको वो बनाए हैं। कई जाने बची हैं उनके वजह। अविश्वास अविश्वास मत हो गए। मैं सब छोड़कर चला गया लेकिन आज आपके समान और पिता के समान हमें प्रभु ने प्रभु हमें भी अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सभी हमारे लिए प्रार्थना करिए। ये बातें प्रभु आशीष दे। आमेन। आमेन। Yes.